दोस्तों नितिन सिद्धांत और आज बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट का ग्रेट फेस्टिवल बिग बिलियन सेल के बारे में। और ये मेरा चौथा पार्ट है, इसमें आपको हर तरह के आइटम देखने मिलेंगे। और मोबाइल्स के सेल शुरू हो गए हैं आज से और आप लोग खरीद सकते हैं कोई भी मोबाइल फ़ोन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पावर बैंक, जो कि मैंने खोल के रखा पेज को देख सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट का 399 का, जो कि ये पावर बैंक बहुत अच्छा, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ भी हूँ और ये अच्छा भी है। और इसका रेटिंग आप देख सकते हैं 36,383 इससे रेटिंग मिले गए हैं इतना, और रिव्यू मतलब समझते हैं 4,815। तो ये अच्छा पावर बैंक है। इसमें देखिए चार बत्ती का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि चारों बत्ती जलती है यानी 100% चार्ज होता है, और तीन बत्ती का मतलब होता है 75%, दो बत्ती का 50% और एक बत्ती का 25% इतना चार्ज होता है, इसका मतलब ये है आपका। और अगर आपको एक पावर बैंक 400 रुपये में चाहिए बजट फोन वाला, तो बहुत अच्छा ये पावर बैंक 400 रुपये में आप लोग ले सकते हैं, 400 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं बूट का हेडफोन की, तो बूट का आप हेडफोन ले सकते हैं जैसे का 349 रुपीज़ में आएगा ये। इसका रिव्यू भी अच्छा है और रेटिंग भी अच्छा है। रेटिंग आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेटिंग दे दिया गया है। और ये देखिए रेटिंग देख सकते हैं, ये आपका रेटिंग आ गया 4.5 का, क्विक साउंड क्वालिटी और बूफर 3.9, ये भी अच्छा है, ये ले सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। और ये हेडफोन बहुत अच्छा आएगा क्वालिटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये आपका हो गया साउंड क्वालिटी और अच्छा मतलब हेडफोन के मामले में। तो अगर आपको इस टाइप का हेडफोन चाहिए तो, और अगर आपको हेडफोन में अगर MI लिखते हैं आप लोग MI करके, तो आपको MI का ये मिल जाएगा। MI लिखते तो डायरेक्ट ये आएगा 349 में। इसका रेटिंग काफ़ी अच्छा है और इसका रिव्यू देख सकते हैं, और इसको स्टार कितने मिले हैं और क्विकली कितना 4.6 का रेटिंग मिले और वो फिर 4.3 का है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसको मिला गया। ये काफ़ी उससे अच्छा मतलब इसकी जो वो वाला उससे बेटर है, तो ये वाला आप ले सकते हैं, उसके मामले में थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, ये बता दिया हूँ। और अगर आपको ब्लूटूथ वाला हेडफोन चाहिए तो ब्लूटूथ वाला ले सकते हैं, ब्लूटूथ के अगर आपको ब्लूटूथ में इंटरेस्टेड है आपका पड़ जाएगा 899 रुपीज़ का, ये वाला ब्लूटूथ वाला है ले सकते हैं, अब बचत में आपसे बाहर निकल जाएगा। तो ये बात की बात, ये मैंने आपको दोनों चीज़ दिखा दिया हूँ। अब बात करते हैं हम लोग मोबाइल्स के बारे में, ठीक है, अब आपको मैंने आपको बता दिया हूँ हेडफोन और पावर बैंक के, मोबाइल्स के चल चलते हैं। सबसे पहले देखिए मोबाइल्स में आपको कौन सा लेना है, आपको अगर आपको ये देखिए रेडमी का फ़ोन ले सकते हैं S7 वाला, जिसकी रेटिंग आप देख सकते हैं और उसमें एश्योर भी लिखा है। एश्योर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट एश्योर मतलब अच्छा है, तो 4.4 का अच्छा रेटिंग है और 4GB 64GB रोम के साथ आता है। और आपको इसका वेरियंट से कम भी ले सकते हैं, जिसका कहता है 9899 यानी कि 3GB 32GB वाला पड़ जाएगा 9,000 रुपये में। और इसमें आप वन सिम और वन नैनो शायद लगा सकते हैं, दो सिम कार्ड नहीं लगा सकते, तो इसमें एक प्रॉब्लम, ठीक है, ये बात बता देते हैं, ये बात की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं रियलमी का फाइव लेते हैं आप, 9,000 रुपये का आता है 3GB 32GB वाला। और अगर आप 4GB 64GB वाला ले सकते हैं 10,000 रुपये में आ जाएगा रियलमी का फाइव। तो रियलमी का 5G वाला अच्छा फ़ोन ले सकते हैं, ये आपका बजट फ़ोन में आएगा 10,000 के अंदर में। और आपका अगर बजट बहुत कम है तो आप ये ले सकते हैं C2 वाला, रियलमी का C2 वाला 6599 में 32GB RAM 32GB रोम के साथ, तो ये फ़ोन एकदम किलिंग डील है, तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा 10,000 रुपये के अंदर में। और ये वाला फ़ोन ले सकते हैं जिसका नाम है कोई भी फ़ोन, जैसे कि ये देखते हैं रियलमी प्रो 5। तो इसके फ़ोन का प्राइस अभी दिखा रहा नहीं है, शो नहीं कर रहा है, लिखा हुआ कुछ और दिखा रहा कुछ और, इसका भी दिखा रहा नहीं, ठीक है। और अगर आपको सैमसंग वाला फ़ोन लेना था ये ले सकते हैं S9 Plus, ये फ़ोन ले सकते हैं, ये भी अच्छा है। इसमें आपको डबल कैमरा मिलता है, डबल मतलब कि 12-12 रियल कैमरा और सेल्फी का 8 मेगापिक्सल। ये मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव फ़ोन है क्योंकि सैमसंग कंपनी का फ़ोन है, समझ सकते हैं आप लोग, सैमसंग का फ़ोन महंगा ही होता है, समझ सकते हैं। तो ये आपका हो गया बहुत एक्सपेंसिव वाला है। और 6,000 से अगर आपका बजट और भी ज़्यादा टाइट है तो ये ले सकते हैं रेडमी का 7A, जिसमें 2GB 32GB 2GB RAM और 16GB ROM के साथ आता है, बजट आपका बहुत ज़्यादा टाइट है तो ये 4 point रेटिंग भी है, रेटिंग काफ़ी देखते हैं तो कितना बढ़िया रेटिंग दिया गया है। और इसमें 2 MP कैमरा नहीं है, 5 MP फ्रंट और रियल कैमरा 12 MP है। सोनी का 8486 का सेंसर के साथ कुछ है सेंसर का, तो ये 5,000 रुपये बचत वाले बंदे के लिए, तो ये किलिंग डील है रेडमी का 7A जो बंदे के लिए, ठीक है। 10,000 का मैंने फ़ोन दिखा दिया आपको और ये भी दिखाते हैं। और मोटो का ले सकते हैं, ये क्या जो नाम है मोटो E6S 13x2 MP का,
काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी ले सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप ले सकते हैं आराम से। ठीक है, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, तो ये बजट फ़ोन है। और आपका बजट बहुत ज़्यादा ज़्यादा है तब ये ले सकते हैं क्या, ये ले सकते, क्या नाम है, OPC, जो भी कोई कितने कितने ब्रांड के नाम है थे हम लोग खुद ही भूल जाते हैं। तो ये आपका 15,000 का पड़ जाएगा, ये वाला फ़ोन लेते हैं तो आप लोग लगभग 15,000 के आसपास में तो ये फ़ोन ले सकते हैं यार। ठीक है, ये हो गया, ये भी फ़ोन अच्छे हैं यार, सारे फ़ोन ठीक है, बट आपको एक अच्छा भी ले सकते हैं, एसूस कंपनी आप लोग यूज़, अगर जो एसूस कंपनी के जो फ़ैन हैं वो भी ले सकते हैं। गूगल पिक से ये वाला भी जैसे 29,000 का है, ये भी अच्छा है, गूगल वाला भाई, गूगल का तो फ़ोन अच्छा ही होते हैं, नॉट बैड। 12 मेगापिक्सल और प्रंट, ये कुछ है कंजूसी करता, मगर गूगल वाले के जो मोबाइल फ़ोन कैमरा क्वालिटी थोड़ा कंजूसी कर देता है, बस उनके सेंसर वगैरह अच्छा है। बट अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तब तो ये ले सकते हैं यूरेका का AAACE, इसमें 2 GB रैम और 16 GB रोम के साथ आता है, तो ये बजट फ़ोन है। और 4,000 mAh है यार, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और सेल्फी के लिए आपको एक लाइट भी दे रहा है मोबाइल में, तो ये किलिंग डील है भाई, लोग ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन आराम से आप लोग ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं जो क्या। और जिनका पास 5,500 रुपया भी है, तो ये 2 GB 32 GB का, अगर इसमें 3 कैमरे मिलेंगे, थर्ड इसमें आपको 3 कैमरा क्या, जैसे कि आपको मिलते हैं इसमें क्या 3 कैमरा मिलेगा, क्योंकि 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस डेट सेंसर भी मिलेगा 2 मेगापिक्सल, और फ्रंट के लिए 8 मेगापिक्सल, 3,500 बैटरी और कुछ समझ सकते हैं। तो ये बैटरी बैकअप के लिए सब फ़ोन अच्छे हैं, बट अभी जो फ़ोन बिक रहे हैं सबसे ज़्यादा जिनको फ़ोन पसंद आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा बिक रहा है और कौन सबसे ज़्यादा फ़ोन लेना चाह रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, देखा देता हूँ। ये फ़ोन सबसे ज़्यादा बिक रहा है अभी फ्लिपकार्ट में, तो ये फ़ोन अभी आप जल्दी से जाइए, जिनको 7,000 का फ़ोन लेना ये फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन सबसे ज़्यादा बिक रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, क्योंकि M2 ये वाला फ़ोन सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं और आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, और इसका वेरिएंट वाला सिल्वर बिक चुका है, सिल्वर ब्लैक बाकी है, तो ये 7,000 रुपये का किलिंग डील है, 13 प्लस 2 और 8 फ्रंट कैमरा सेल्फी का, तो ये इसलिए 4,000 mAh और 3 GB रैम 32 GB रोम के साथ 7,000 रुपये में, क्योंकि एसूस कंपनी का ब्रांड का बहुत अच्छा फ़ोन होता है और ये सब अच्छे होते हैं, और ये आउट ऑफ स्टॉक इसलिए हो रहा है कि इससे रेटिंग और एश्योर और इसका क्वालिटी दोनों तो बेटर है यार, समझ सकते हैं कि कितना अच्छा फ़ोन है ये बता रहे हैं। ठीक है, कैमरा क्वालिटी और बैटरी बैकअप ठीक है ओवरऑल, तो ये ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है सब कुछ ही। ये देखिए सारे लिखे फ्यू फंक्शंस में, बैटरी बैकअप, फिंगरप्रिंट और सब तरह की चीज़ है, ऑलरेडी सारे फंक्शन आपको इसमें दिख रहे हैं, देख सकते हैं सारे के सारे, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह, ये फ़ोन ले सकते भाई मेरा, अगर ये अभी अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है फ़ोन की, मगर आप लोग को ज़रूरत हो ये ज़रूर चाहिए, एसुस का MX Max 2 ये वाला फ़ोन अभी अवेलेबल है, जल्दी से जाइए भाई, बाद में बिक जाएगा बोलना मत मुझे, ठीक है, ये फ़ोन ले सकते हैं। तो मैंने आपको सारा फ़ोन तो दिखा दिया, अब देख लीजिए कोई बचा तो नहीं है, सारा दिखा दिया ना, कुछ तो बचा नहीं ना भाई लोग, तो कुछ बचा नहीं आप लोगों को तो पता ही है। और मैं एक और तो ये मेरा यूट्यूब चैनल तो पता ही है, दान खेम का जो कि है, और अगर आपको ये अच्छा लगे लाइक कर सकते हैं और कमेंट ढेर सारा करना, और लाइक इसको शेयर हर जगह करना, क्योंकि ये 2 दिन का बिग बिलियन का सेल है, समझ रहे ना, अभी मैं रात को डाल रहा हूँ, ये 2 दिन का सेल है, अक्टूबर तक रहेगा, अक्टूबर 2 तारीख तक ही रहेगा, सोच लीजिए, जिनको अपने दोस्तों को बताना बता सकते हैं आप लोग, शेयर कर सकते हैं भाई, अक्टूबर 4 तारीख तक, तो ये ऑफर अक्टूबर 4 तारीख तक रहेगा, और ये अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ रात को, 30 तारीख को अपलोड कर रहा हूँ, तो सोच सकते ना, तो अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करो, ढेर सारा मुझे प्यार दे, प्लीज़ सपोर्ट करें, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।